नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। भारतीय सेना को नेतृत्व प्रदान करने की बात आती है तो कोंडादेरा मदप्पा करियप्पा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। उनको किपर के नाम से भी पुकारा जाता है। 1942 में करियप्पा लेफ्टिनेंट कर्नल का पद पाने वाले पहले भारतीय अफसर बने। 1944 में उन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया और बन्नू फ्रंटियर ब्रिगेड को कमांडर के तौर पर तैनात किया गया। नवंबर 1947 में करियप्पा को सेना के पूर्वी कमान का प्रमुख बनाकर रांची में तैनात किया गया था, लेकिन जैसे ही कश्मीर में हालत खराब हुई उन्हें दिल्ली और पूर्वी पंजाब का जीओसी इन चीफ बनाया गया। उन्होंने ही इस कमान का नाम पश्चिमी कमान रखा। बता दें, जब लेह जाने वाली सड़क तब तक नहीं खोली जा सकती थी जब तक भारतीय सेना का जोजीला ड्रास और कारगिल पर कब्जा नहीं हो जाता, लेकिन करियप्पा ने किसी की ना मानी। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज लेह भारत का हिस्सा भी नहीं होता। भारतीय सेना ने पहले नौशेरा और झंगर पर कब्जा किया और फिर जोजीला ड्रास और कारगिल से भी हमलावरों को पीछे ढकेल दिया। बता दें कि 4 दिसंबर 1948 को करियप्पा को सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया। उस समय करियप्पा की उम्र 49 साल थी। ब्रिटिश शासन के 200 साल बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की बागडोर दी गई थी। 15 जनवरी 1949 को करियप्पा ने इस पद को ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म होने के बाद करियप्पा भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने भारत पाकिस्तान सीमा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सीमा पार कर नो मैन लैंड में प्रवेश कर लिया था। उन्हें देखते ही पाकिस्तानी कमांडर ने आदेश दिया कि वो वहीं रुक जाएं वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी। भारतीय सीमा से किसी ने चिल्लाकर कहा, ये जनरल करियप्पा है। ये सुनते ही पाकिस्तानी सिपाहियों ने अपने हथियार नीचे कर लिए। उनके अफसर ने आकर जनरल करियप्पा को सैल्यूट किया। जनरल करियप्पा को 15 जनवरी 1986 को, जब वो 87 साल के थे, तब उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। 15 जनवरी 1986 को वो सेना दिवस की परेड के लिए दिल्ली आए हुए थे। परेड के बाद उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल के सुंदरजी ने घोषणा की कि सरकार ने जनरल करियप्पा को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है। उस दिन उन्हें पूरे सम्मान के साथ इस पद से नवाजा गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।